सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आपको पता है कि आखिर रक्षाबंधन मनाया क्यों जाता है? आप देखिए, इस तरह के आपके कोई भी त्योहार हो, दीपावली हो, होली हो, और भी आपके त्योहार हो, आप जिस भी धर्म से जुड़े हुए हो, कम से कम उसके बारे में एक सामान्य जानकारी तो आप लोग याद देख लिया करिएगा कि आखिर इसका मनाने का उद्देश्य क्या होता है, इसका इतिहास क्या रहा है। आजकल देखिए, आप लोग की नई जो आपकी पीढ़ी आई हुई है, इसे इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं रहता है। मैंने देखिए फेसबुक पर भी आपसे पूछा हुआ था, आप लोगों से, कई लोगों से, आप देखिए अधिकतर लोगों को मालूम ही नहीं है कि आखिर मनाया क्यों जाता है। इसी तरह आपने देखा है कि कुछ दिन पहले नाग पंचमी थी, उस दिन भी मैंने कई लोगों से पूछा, तब भी आप देखेंगे किसी को इसके बारे में मालूम ही नहीं है। रक्षाबंधन की बात कर लीजिए या किसी और त्योहार की, आप देखिए राखी बांध देना कोई ये त्योहार का महत्व तो नहीं समझ में आ जाता है कि आपने एक महंगी सी राखी ली, आपने बांध दी, या आपके पास पैसा है, आपने पैसा बदले में दे दिया उन्हें, इसका एक खास महत्व होता है। और आज के लोगों का उससे इसका दूर दूर तक कोई जुड़ाव ही नहीं है। आज आप देखिए कि एक महंगी राखी आएगी आपके लिए, हो सकता है कि बड़ा आदमी है तो कभी हो सकता है हीरा की या फिर सोने की, सोने या चांदी गोल्ड राखी लिया कि आपके हाथ पर बांध देंगे, और ये राखी आपको तभी मिलेगी इतनी महंगी जब आपकी औकात होगी कुछ देने की। तो ये कहानी रह गई है आज के रक्षाबंधन की। अगर इतिहास में हम लोग जाएं तो ऐसा कुछ नहीं था। आपके पास राखी नहीं है, आप एक धागा भी बांध सकते हैं, उसका महत्व तो रहता था। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ भी मालूम है तो आप लोग नीचे लिखिएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, पांच सात कहानियां हैं इसके बारे में, और याद रखिए हजारों साल पहले से मनाया जा रहा है, एक कोई नया त्योहार नहीं है। और मैं आप सभी लोगों से गुजारिश भी करूंगा, इसे आप लोग निवेदन कह लीजिए, जो भी कहना हो, आप लोग देखिए पैसे मांगते हैं, मतलब कोई भी इस तरह का रहता है, मैं तो कहता हूं सभी बहनों से या सभी भाई कि मतलब इस त्योहार का मतलब तो कुछ समझिए। ऐसा नहीं कि आपने अपनी बहन को राखी बांध दी और बाकियों के सुरक्षा की बात आए, किसी भी कोई भी मुद्दा है तब आप पीछे पीठ पीछे कर ले। तो अपने भाइयों से एक तरह से गुजारिश कीजिए आप लोग भी कि हमारी ही रक्षा नहीं करनी है उन्हें, देश की हो, गुरु के सम्मान की बात हो, या किसी लड़की के, आप देखिए कि कहीं कुछ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है उसे, तो उसके समाधान की बात हो। आपको जो हम कहानियां बताएंगे आप लोग उसमें देखिए, ऐसा नहीं कि इसमें हिंदू केवल रह गए, आपको कई मिलेंगे जो हिंदुओं, हिंदू बहनों ने मुस्लिम भाइयों को राखी बांधी और उसका राखी का फर्ज उन्होंने निभाया भी है। समझ रहे हैं आप लोग? और एक इंसानियत रखिए, मानवता रखिए, और मानवता इंसानियत रहने का मतलब है कि देखिए आप किसी को रुला नहीं सकते, कोई अगर रो रहा है तो आपके आंसू छुप नहीं सकते हैं, कहीं गलत हो रहा है तो वहां आप तो कुछ तो बोलेंगे, अगर आपके अंदर मानवता इंसानियत होगी तो। तो ये पैसे वैसे का मुझे लगता है कि मतलब खत्म करिए, ये ठीक है आपका, जहां तक आप लोगों को अच्छा लगता है ठीक है, लेकिन इसका महत्व समझिए और इसे, इस फर्ज को निभाइए, सबसे जरूरी यही होता है। ठीक है, इसकी कुछ कहानी आप लोग देख लीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि एक त्योहार हिंदुओं में खासकर बड़े स्तर पर मनाया जाता है, लेकिन आप देखेंगे ये 35 वर्ष मनाए जाते हैं, यानी कि हर साल मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं, और जिसे हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार बात कर रहा हूं। और अगर आपसे अंग्रेजी पंचांग की बात करें तो लगभग आप देखेंगे अगस्त महीने में इसे मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। और याद रखिए इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपके भाई या बहन होना चाहिए, आप अपने गुरु को भी राखी बांध सकते हैं, या और भी आप लोगों को किसी से सपोर्ट मिल सकता है, यानी कि रक्षा की उम्मीद है, अपनी सुरक्षा की उम्मीद है, तो उसे भी आप राखी बांध सकते हैं।
अगर हम लोग रक्षाबंधन की कहानियों के बारे में बात करें कि कब से शुरू हुई है और इनका क्या महत्व रहा है, तो आप लोगों ने सुना होगा इंद्रदेव से संबंधित एक मिथक है। मिथक इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखिए कि हम लोग कई लोग ऐसे सच घटना मान लेते हैं, कई लोग ऐसे असत्य मान लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि देखिए असत्य है या सत्य है उस पर छोड़िए, आप लोग मनगढ़ंत कहानी है। अगर उससे कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर हमारी जिंदगी में कुछ उससे मिल रहा है, यानी कि हम कुछ सीख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आप लोगों के लिए फायदेमंद भी रहेगी। अब आप देखिए कि कई लोग कहते हैं कि आप लोग जो रामायण है या महाभारत है मनगढ़ंत कहानी बता देते हैं कई लोग, लेकिन मैं भी मान लेता हूं चलिए कि आप लोग कह रहे हैं मनगढ़ंत कहानी है तो मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि उससे सीख बहुत कुछ मिलती है कि एक पुरुष का जीवन किस तरह होना चाहिए, एक महिला का जीवन किस तरह से होना चाहिए, एक गुरु का जीवन किस तरह से होना चाहिए, शिष्य का, माता पिता, भाई बहन। आप देखिए हर कैरेक्टर से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी, समझ रहे हैं आप लोग? तो इन्हें अगर आप लोग पढ़ते हैं अच्छे से तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसमें अगर हम लोग इंद्रदेव की बात करें तो भविष्यता पुराण के अनुसार दैत्यों और देवताओं के मध्य होने वाले एक युद्ध में भगवान इंद्र को एक असुर राजा राजा बलि ने हरा दिया था। आप देखते हैं कि उस समय के जो राक्षस हुआ करते थे बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। इस समय इंद्र की पत्नी सची ने भगवान विष्णु से मदद मांगी और भगवान विष्णु ने सची को सूती धागे से एक हाथ में पहने जाने वाले वलय बनाकर दिया और इस वलय को भगवान विष्णु ने पवित्र वलय कहा और सची ने इसे धागे को इंद्र की कलाई में बांध दिया था और इंद्र की सुरक्षा और सफलता की कामना की। इसके बाद आप देखेंगे अगले युद्ध में इंद्र बलि नामक असुर को हराने में सफल हुए और पुनः अमरावती पर इनका कब्जा यानी कि अधिकार हो जाता है और ऐसा माना जाता है कि यहां से इस पवित्र धागे का विचलन आरंभ हुआ। इसके बाद युद्ध में जाने के पहले अपने पति को औरतें यह धागा बांधती थी और इस तरह यह त्योहार सिर्फ भाइयों बहनों तक ही सीमित नहीं रह गया। मैंने आपसे बोला कि कोई ऐसा नहीं कि महंगी राखी ही आपको बांधनी है, आप कोई भी सूती धागा भी ले सकते हैं, उसे भी बांध सकते हैं, समझ रहे हैं? और भी कहानी है इससे जुड़ी हुई, राजा बलि और माँ लक्ष्मी की कहानी भी आप लोगों ने सुनी होगी और नहीं सुनी है तो सुन लीजिए। भगवान पुराण, भगवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार के आधार पर यह माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को हरा दिया, तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तो बलि ने भगवान विष्णु से उनके महल में रहने का आग्रह किया। भगवान विष्णु इस आग्रह को मान गए और हालांकि भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी को भगवान विष्णु और बलि की मित्रता अच्छी नहीं लगी थी और अतः उन्होंने भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ जाने का निश्चय किया। इसके बाद आप देखेंगे माँ लक्ष्मी को तो आप जो जानते हैं, ने बलि को रक्षा धागा बांधकर भाई बना लिया और इस पर बलि ने लक्ष्मी से मनचाहा उपहार मांगने के लिए कहा। इस पर आप देखेंगे माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि वह भगवान विष्णु को इस वचन से मुक्त करे और भगवान विष्णु ने उसके महल में रहेंगे। बलि ने ये बात मान ली और साथ ही माँ लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में भी स्वीकारा। इतिहास की कोई भी घटनाएं पढ़ता हूं तो मुझे अचंभित होता है कि आज के लोगों से वो उस समय के लोगों में आप देखिए जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। उस समय आपने कुछ बात बोल दी तो वही एक तरह से क्या कहते हैं कि सत्य की लकीर हुआ करती थी। महाभारत देखिए आप लोग, रामायण देखिए, आप देखिए कि अगर आपने एक बार बोल दिया कि ऐसा करेंगे हम आपके लिए, तो मुझे लगता है कि उसका दूसरा विकल्प ही नहीं रहता था। आज आप देखिए आदमी एक पैर रखता है, कदम कदम पर अपने वचन बदलता रहता है, बातें बदलता रहता है। मुझे तो लगता है कि अगर भगवान है तो कोई किसी भी व्यक्ति के बारे में या तो वही व्यक्ति जान सकता है कि वो कितना सच्चा है, कितना झूठ बोलता है, किस तरह का व्यक्ति है, और या भगवान जान सकते हैं, कोई दूसरा तीसरा कोई जान ही नहीं सकता है। क्योंकि आप देखिए दिखावा कुछ और होता है, बोलना कुछ और होता है, कहना कुछ और होता है, चलना कुछ और होता है, रंग और होता है,
पता नहीं क्या अपने आप को समझ बैठता है, वो जिंदगी भर आप देखिए किसी कंफ्यूज में बना रहता है। मुझे लगता है कि आप देखिए कि देखिए ये क्लास वैसे भी आप देखेंगे कहानियों से भरा हुआ है, तो थोड़ा टाइम भी ज्यादा ही रहेगा। आप खुद सोच के देखिए, आप अगर भगवान को मानते हैं, लोग कहते हैं कि भगवान सब कुछ देख रहा है, तो क्या आप किसी के बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, या फरेब कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इस तरह की कोई भी मक्कारी कर रहे हैं, तो क्या ऊपर वाला नहीं देख रहा होगा? और मैं कहता हूं कि ऊपर वाला अगर देख रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि उसकी सजा कुछ तो होगी? हो सकता है कि ये झूठ फरेब करके आप लोग 200 साल जी जाएं, लेकिन फिलहाल तो उसका रिजल्ट तो रहता होगा कुछ। चलिए इतिहास आप लोग ज्यादा लंबे समय में बच जाइएगा, इतिहास में एक घटना सुनाता हूं मैं, आप सभी लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको मालूम ही होगी। 1857 की क्रांति के आसपास आप लोग समय अच्छे से इतिहास पढ़ा है आपने, आप लोग एक सिंधिया घराना हुआ करता था, एक रानी लक्ष्मीबाई थी। आप सभी जानते हैं कि उस समय रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ रही थी हमारे लिए, आपके लिए, और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि सिंधिया घराना अंग्रेजों का साथ दे रहा था, अपना अपने आप को बचाने के लिए, अपना साम्राज्य बनाए रखने के लिए। आज आप देखिए, और उस समय आपको बता दूं, रानी लक्ष्मीबाई, देशद्रोही, आतंकवादी, इस तरह के शब्द उपयोग किए जाते थे, और सिंधिया को आप देखिए कि काफी वफादार माना जाता था, आज बिल्कुल पलट गया है। आज आप लोग इतिहास की कोई बुक्स उठा के देखिए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि सिंधिया गद्दार था। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में क्या बताना है, आप सभी जानते हैं कि हम लोग उनकी पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो देखिए आज हम क्या हैं या नहीं हैं, किस तरह के कर्म क्या रहे हैं, मुझे नहीं पता, इसका आने वाले इतिहास में मूल्यांकन होता है, निष्कर्ष निकलता है, उस समय रहता है कि हमारे हम किस तरह के थे, हमने क्या किया था, क्या नहीं किया था, ये बात समझ लेनी चाहिए। और दिखावे फरेब की जिंदगी देखिए, हो सकता है, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि चलिए भगवान से दुआ करता हूं कि आप 500 साल जिए हैं, लेकिन क्या इस जिंदगी का कोई मतलब है? खैर छोड़िए, ये बातें अब मायने नहीं रखती हैं, ये बहुत वक्त बदल चुका है। एक कहानी और जुड़ी हुई है आपकी रक्षाबंधन से, संतोषी मास से संबंधित मिथक है ये। भगवान विष्णु के दो पुत्र हुए, शुभ और लाल, और इन दोनों भाइयों को एक बहन की कमी बहुत खलती थी, क्योंकि बहन के बिना वे लोग रक्षाबंधन नहीं मना सकते थे। इन दोनों भाइयों ने भगवान गणेश को एक बहन की मांग की। कुछ समय के बाद भगवान नारद ने भी गणेश को पुत्री के विषय में कहा। इस पर भगवान गणेश राजी हुए, उन्होंने एक पुत्री की कामना की। और आप देखेंगे कि भगवान गणेश की दो पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि की, दिव्य ज्योति से मां संतोषी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद मां संतोषी के साथ शुभ लाभ रक्षाबंधन मना सके। शुभ लाभ आप लोग लिखते भी तो हैं आजकल अपने घर के गेट पे, द्वार पर, तो ये भी कहानी है। एक कहानी और आप लोगों ने अगर महाभारत देखी होगी तो आपको मालूम भी होगी, कृष्ण और द्रौपदी संबंधित मिथक। और मुझे लगता है कि अगर आपने महाभारत रामायण नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिएगा। कुछ दिन पहले की एक कहानी है, स्टोरी है, मैं किसी ट्रेन से जा रहा था कहीं से, एक कोई मतलब आप सोचिए कि कोई जज, मतलब इस तरह का कोई कानून से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, उसने बड़ी अच्छी बातें बताई, मतलब काफी उम्र ढल चुकी थी उस व्यक्ति की, कि अगर जिंदगी में आदमी अगर महाभारत और रामायण को अपनी जिंदगी में उतार ले तो वो इंसान और मानवता का पूरी मिसाल बन जाएगा। वो सच और आप सोचिए झूठ से मतलब काफी कुछ समझ जाएगा, एक असल में जिंदगी क्या है,
उसके मायने क्या है, ये सब कुछ जान जाएगा। अभी आप देखिए कहाँ, मतलब आप अधिकतर लोग, मैं तो यहां तक कहता हूं कि 90 से 95% लोग दिखावा भरी जिंदगी रहती है। एक बड़ी अच्छी कहावत है बुंदेलखंड में कि वो हमारे पास जितने जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। लेकिन आज देखिए आप लोग कि अधिकतर लोग दिखावे के लिए कुछ भी कर देते हैं। दिखावे के लिए आप देखिए कि आज का सुख छोड़ के 20 साल बाद का सुख देख रहे हैं, तब रहेंगे या नहीं रहेंगे। और जितनी कमी थी आप सभी को मालूम है कि कोरोना महामारी ने हमारी औकात हमें याद दिला दी कि हमारी औकात कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप देखिए बाल से भी कई गुने छोटे वायरस ने किस तरह से, आप देखिए कि एक तरह से आप तबाही मचाई हुई थी दुनिया भर में। इसमें आप देखिए बड़ी बड़ी हस्तियों को भी लेकर डूब गया, जो पैसे की, मतलब आप सोचिए पैसे की वजह से हवा में उड़ते थे, वो हवा भी नहीं खरीद पाए अपने पैसे से। ये रहा है कृष्ण। अगर हम लोग द्रौपदी यानी कि महाभारत की बात करें तो महाभारत युद्ध के समय द्रौपदी ने कृष्ण की रक्षा के लिए उनके हाथ में राखी बांधी थी, और इसी युद्ध के समय कुंती ने भी अपने पोत अभिमन्यु की कलाई पर सुरक्षा के लिए राखी बांधी थी। और ऐसा भी माना जाता है कि देखिए युधिष्ठर, कृष्ण भगवान से युधिष्ठर ने कहा कि क्या किया जाए कि हम इस युद्ध में विजयी हुए। तो कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि आप अपने सभी सैनिकों के हाथ पर राखी, मतलब इस तरह से कोई बंधन बांध दीजिए कि वो आपके प्रति एक तरह से वफादार रहें, आपके साथ लड़ें और आप इसमें विजय रहेंगे। और आपने देखा कि उन्होंने ऐसा किया भी और वो जीते भी उस महायुद्ध को। ठीक है, फिर एक और कहानी जुड़ी हुई है, यम और यमुना संबंधित मिथक भी है। एक अन्य पौराणिक कहानी के अनुसार मृत्यु के देवता यम जब अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने नहीं गए तो यमुना दुखी हुई और माँ गंगा से इस बारे में बात की, और गंगा ने यह सूचना यम तक पहुंचाई कि यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही है। इस पर यम यमुना से मिलने आए और यम को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और उनके लिए विभिन्न तरह के व्यंजन भी बनाई, और यम को इससे बेहद खुशी हुई और उन्होंने यमुना से कहा कि वे मनचाह वरदान मांग सकती हैं। और इस पर यमुना ने उनसे ये वरदान मांगा कि यम जल्द ही पुनः अपनी बहन के पास आए। यम अपनी बहन के प्रेम और स्नेह से गदगद यानी कि खुश हो गए और यमुना को अमरत्व का वरदान दिया यानी कि अमर होने का। भाई बहन के इस प्रेम को भी रक्षाबंधन के हवाले से याद किया जाता है। तो ये भी एक कहानी है। लेकिन आप लोगों ने सिकंदर और राजा पुरु के बारे में पढ़ा होगा। मैं इसलिए पढ़ा होगा इसलिए क्यों बोलता हूं, अगर आप लोगों ने इतिहास की बुक से पढ़ा होगा तब, अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया से अगर आप लोग पीएचडी कर रहे हैं इतिहास में, हिस्ट्री में, तो आपकी बात अलग ही है। आप बहुत महान हैं, आप निराले हैं। ठीक है, तो इसमें सिकंदर और राजा पुरु की बात करें तो एक महान ऐतिहासिक घटना के अनुसार जब 326 ईसा पूर्व में यानी कि बीसी में सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया, सिकंदर की पत्नी रोसानक ने राजा पोरस को एक राखी बांधी भेजी और उनसे सिकंदर पर जानलेवा हमला ना करने का वचन लिया। और परंपरा के अनुसार केकरे के राजा पोरस ने युद्ध भूमि में जब अपनी कलाई पर बंधी वह राखी देखी तो सिकंदर पर व्यक्तिगत हमले नहीं किए, उनकी जान बख्श दी एक तरह से। समझ रहे हैं, ये है राखी का कमाल। और आज की राखी का क्या कमाल है आप सभी जानते हैं। एक और इतिहास की कहानी है, रानी कर्णावती और हुमायूं की। एक अन्य ऐतिहासिक कथा के अनुसार रानी कर्णावती और मुगल शासक हुमायूं से संबंधित है। सन 1535 के आसपास इस घटना में जब चित्तौड़ की रानी को यह लगने लगा कि उनका साम्राज्य गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से नहीं बचाया जा सकता, यानी कहने का मतलब यह है कि जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और यहाँ की रानी जो कर्णावती थी इन्हें लगा कि हम अपने साम्राज्य को नहीं बचा सकते हैं, तो ऐसे में उन्होंने हुमायूं को, जो पहले चित्तौड़ का दुश्मन हुआ करता था, को राखी भेजी और एक बहन के नाते मदद मांगी।
हालांकि इस बात की आप देखेंगे कई से इतिहासकार इत्तिफाक नहीं रखते, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि पहले के हिंदू मुस्लिम एकता की बात इस राखी घटना के हवाले से करते हैं। ऐसा कहा जाता है, देखिए आप लोग नए इतिहासकार हैं वो और कुछ कहते रहते हैं, कुछ और कहते रहते हैं, इस पर ज्यादा मत जाइएगा। कहते हैं कि इसमें देखिए आप लोग की हुमायूं ने इनकी रक्षा भी की हुई थी, इनके साम्राज्य की भी, तो इसलिए भी इस राखी का यहाँ से भी शुरू होती है एक तरह से। पर छोड़िए आप लोग, 1905 का बंग भंग और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में तो आप लोगों को मालूम होगा। जब 1905 में आप देखते हैं बंगाल विभाजन होता है, बंगाल का भारत में जिस समय अंग्रेज अपनी सत्ता जमाए रखने के लिए डिवाइडेड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे थे, यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति, आज भी तो आप देखते हैं कि आपके नेता वही तो नीति अपना रहे, इस धर्म से उस धर्म को लड़ाई है, इस जाति को उस जाति से लड़ाई है, इस समुदाय को उस समुदाय से लड़ाई है, और अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकी। आप देखिए कि जातियों ने इनके लिए बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन इन्होंने अपनी जाति के लिए क्या किया हुआ है? आप किसी भी नेता का कोई भी बैकग्राउंड उठा के बता दीजिएगा, मैं मान जाऊंगा। इन्होंने जातियों के नाम पर अपना घर भरा हुआ है। मैं हर जाति में देख सकता हूं, बता सकता हूं कि जिनके खाने के लाले पड़े हुए हैं। आप देखिए उनके नाम पर वोट बैंक बटोर बटोर के लोग करोड़पति हो गए, कई बार आप देखिए मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, लेकिन आज उन जातियों की हालत वही है जो पहले थी। तो उस समय आप देखेंगे कि 1905 के आसपास रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोगों में एकता के लिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया। वर्ष 1905 में बंगाल की एकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार बंगाल को विभाजित और हिंदू मुस्लिमों में सांप्रदायिक फूट डालने की कोशिश करती रही। इस समय बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए और देश भर में एकता का संदेश देने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन का परम मनाना शुरू किया। अब देखिए आप लोग, सिखों का भी इतिहास है, और आज के धर्म की अगर हम बात करें तो मुझे सबसे अच्छा लगता है धर्म सिख धर्म। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अगर आप लोगों को मानवता और इंसानियत की मिसाल देखनी है, एक दूसरे के दुख दुख में शामिल होने की अगर आपको कहानी देखनी है, मिसाल देखनी है, तो आप सिख धर्म को देखिए। आप लोग देखिए इनके लंगर चलते रहते हैं, ये लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं, ये एक दूसरे से आप देखिए कितना लगाव रखते हैं। 18वीं शताब्दी के दौरान सिख खालसा आर्मी के अरविंद सिंह ने राखी नामक एक प्रथा का आविर्भाव किया, जिसके अनुसार सिख किसान अपनी उपज का छोटा सा हिस्सा मुस्लिम आर्मी को देते थे, और इसके बाद एवज में मुस्लिम आर्मी उन पर आक्रमण नहीं करते थे, उनकी रक्षा करते थे। महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की पत्नी महारानी जिंदान ने नेपाल के राजा को एक बार राखी भेजी थी, और नेपाल के राजा ने हालांकि उनकी राखी स्वीकार ली थी, किंतु नेपाल के हिंदू राज्य को देने से इनकार कर दिया था। तो ये भी कहा रक्षाबंधन से कहानियां जुड़ी हुई है। तो ये कुछ कहानियां आपकी पौराणिक कहानियां भी, ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं, लेकिन फिलहाल मैं यही कहूंगा कि देखिए कोई भी धर्म कोई भी त्योहार मनाया जाता है तो उसका उद्देश्य तो होता है, उसकी वजह तो होती है, उस वजह को तो ढूंढ लिया करिएगा कम से कम। आप देखिए होली मना लेते हैं आप लोग, दीपावली मना लेते हैं, और भी इस तरह के त्योहार हैं, लेकिन उसे मनाने की वजह ही मालूम नहीं रहती है कि आखिर मनाया क्यों जाता है, और वो मनाया जाता है तो उसका कम से कम महत्व तो समझिए, उस बात पर खरा तो उतरिए आप लोग। चलिए खैर, एंजॉय करिए रक्षाबंधन और अपना फर्ज निभाते रहिए।